वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। अभी टाइम हो रहा है शाम का, शाम के टाइम से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो जी शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि जा रहे हैं घूमने के लिए लंबे टूर पे। एक हफ्ते का टूर है, जो घर में से सभी जा रहे हैं, बस मैं नहीं जा रही हूँ। और वंशिका की वजह से, क्योंकि वंशिका के 12th क्लास के पेपर हैं और उसके पेपर आ रहे हैं नज़दीक, अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो उस वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा, मैं नहीं गई हूँ। तो और सारे बाकी बच्चे जा रहे हैं घूमने के लिए, मेरी बहन और उनके बच्चे और अंकित भी जा रहा है उनके साथ ही। तो बस अभी वहीं पे जाने की तैयारी हो रही है। इनकी ट्रेन है रात की 10:30 की, तो अभी टाइम से निकलेंगे। पुरानी दिल्ली से ट्रेन इनको पकड़नी है, तब टाइम से पहुंचेंगे। तो ये 7:30 यहाँ से निकल जाएंगे और तब टाइम पे पहुँचेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी देखना होता है। तो मैंने इनके लिए बनाई है, ये सफ़र के लिए छोले की सब्ज़ी बनाई है और मेरी छोकिया हरी मिर्च। तो बस खाना हमारा तैयार हो चुका है, अभी मैं पूरी बना रही हूँ उनके रास्ते के लिए, क्योंकि वो पूरे 24 घंटे का रास्ता है। मुंबई का टूर है ये, मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पे जैसे वहाँ का टूर है और वहाँ निरंकारी समागम हो रहा है, जो हर साल होता है जनवरी में। और हम चाहते हैं हर साल ही, कभी बाई चांस ऐसा, जैसे अब 3-4 सालों से बंद था क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और कोरोना फैला हुआ था, तो अभी 3 साल के बाद अभी वहाँ पे हो रहा है, तो वहीं पे जा रहे हैं। और मेरा बच्चों की वजह से कैंसिल हो गया, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम्मित और वंशिका के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जो बाहर से टीचर आए हुए हैं, तो मैं इनके लिए पराठे भी बना रही हूँ। पूरी तो मैंने बना दी है, क्योंकि 2 दिन का रास्ता, मान लो 2 दिन का है वो रास्ता, और बाहर स्टेशनों पर तो आपको पता ही है कैसा खाना मिलता है ट्रेन में, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। तो अचार ले जाएंगे और जो सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी जब तक चलेगी इसको खा लेंगे रात में, और फिर दिन में अचार से खा लेंगे। तो बाहर स्टेशनों पर हम गए हुए हैं, बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं मिलता है। तो बस अभी के लिए मैं इनके लिए बना रही हूँ मूली के पराठे। मैंने मूली कस ली है और आटा मैंने उसी में छान लिया है। बहुत ही ईजी तरीका है ये मूली के पराठे बनाने का। और अभी मैं इसमें सारे सूखे मसाले, नमक, धनिया और मिर्च, लाल मिर्च, बस ये तीनों चीज़ें इसमें जाएंगी। और अभी मैं इसको आटे को गूंद लूँगी इसमें मिक्स करके। सूखे आटे में सारी मूली मैंने मिक्स कर ली थी हाथ से पहले, और अभी मैं गूंदूँगी जैसे आटा नॉर्मली आटा गूंदते हैं वैसे ही। तो बस मेरा आटा तैयार हो चुका है और ये काफ़ी ईजी तरीका मुझे लगता है पराठे बनाने का, जो भरते हैं निचोड़ना, मूली निचोड़ना, और काफ़ी सारे झंझटों से बच जाते हैं और फटाफट से ये मूली के पराठे तैयार हो जाते हैं। आप इनको चाहो तो अचार से भी खा सकते हो, सब्जी से, जैसे मर्जी चाहे वैसे खा सकते हो। तो ये देखिए आटा मेरा तैयार हो चुका है, अभी मैं बस पराठे बनाने शुरू कर दूंगी। और इधर की साइड अंकित खड़ा था, अंकित बना रहा है मेरी वीडियो। मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, तो जब कोई बच्चा बनाता है वीडियो तो मैं बनवा लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ, इसलिए ही मेरी वीडियो कम आती है और लेट आती है। मैं सोच रही हूँ ट्राईपॉड लेके आऊँ, तो मैं जब मर्जी चाहे अपनी मर्जी से मैं वीडियो बना सकती हूँ। और अभी अंकित तैयार होने चला गया था, वंशिका, क्योंकि अंकित भी जा रहा है, वंशिका ने फ़ोन पकड़ लिया था, तो मैंने कहा कि तू भी जल्दी से तैयार हो जा, क्योंकि अंकित भी जा रहा है। और बस मैं अभी
सारे पराठे सेक लूंगी, तैयार कर लूंगी। अभी ये थोड़े किनारे इनकी हट रही है क्योंकि इनके अंदर मूली है तो अभी गोल नहीं बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। और ये देखिए मेरे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और अंकित मेरे से बोल रहा था कि अभी मेरे बिना तुम्हारा मन लग जाएगा, यही बात कर रहा था तो मेरी हंसी छूट गई कि हाँ। तो बस अभी पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं, इनका टाइम भी हो चुका है क्योंकि इनको 7:30-8 बजे तक यहाँ से निकलना है, क्योंकि दिल्ली, पुरानी दिल्ली का यहाँ से रास्ता है 1 घंटे का, तो 1 घंटे से भी ज़्यादा ही, और बीच में ट्रैफिक भी मिलता है। तो बस सारी इनकी तैयारी हो चुकी है, बिस्तर वगैरह इनकी पैकिंग सब कई दिन पहले से पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो पहले से ही 1 हफ्ते पहले से बच्चों की तैयारी चल रही है, कपड़े वगैरह सब चीज़। मौसम तो वहाँ पे ठीक नॉर्मल रहता है, और आज 25 तारीख है, 25 दिसंबर को ये जा रहे हैं, 26 जनवरी जो इनकी है वो ट्रेन में ही होगी। और बस अभी निकलने वाले हैं, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलती हूँ ऐसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।